आज की कहानी मेरी सेल्स बुक तिजारत से ली गई है। अगर आप इसी तरह की और सेल्स स्टोरीज चाहते हैं तो सेल्स स्टोरीज प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है गिरा हुआ दूध। एक 2 साल का बच्चा रेफ्रिजरेटर से फ्रिज से दूध की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा था, जब फिसलन भरी बोतल पर से उसकी पकड़ छूट गई और बोतल गिर गई, जिससे दूध किचन के फर्श पर फैल गया। जब उसकी माँ किचन में आई तो उस पर चिल्लाने के बजाय, लेक्चर देने के बजाय या उसे दंडित करने के बजाय उसने कहा, रॉबर्ट आपने क्या शानदार और अद्भुत गड़बड़ की है, मैंने शायद ही कभी दूध का इतना बड़ा तालाब देखा हो। ठीक है, नुकसान तो हो ही चुका है। ठीक है, इससे पहले कि हम इसे साफ करें, क्या आप मेरे साथ इसमें थोड़ी देर खेलना चाहेंगे? दरअसल बच्चे ने गलती की थी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसकी माँ ने कहा, आप जानते हैं रॉबर्ट, जब भी आप इस तरीके की कोई भी गड़बड़ करते हैं तो उसे आपको ही ठीक करना होता है और आपको ही उसे प्रॉपर वे में करना होता है। तो आप बताइए आप इसे कैसे करेंगे? क्या हम स्पंज से इसको साफ करें या टॉवल से, तौलिए से या फिर पोछे से? आप किस चीज से इसको साफ करना पसंद करेंगे? मां ने अपने बेटे से पूछा। लड़के ने स्पंज को चुना और दोनों ने मिलकर गिरा हुआ दूध साफ किया। व्हाट अ वंडरफुल लेसन, देखिए कितना बढ़िया सबक है। उसकी मां ने फिर कहा कि आइए देखिए कि कैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं कि एक बड़ी बॉटल से आप अपने दोनों छोटे हाथों से कैसे पकड़ के उठाएं, कैसे लेके आएं, कैसे फ्रिज से बाहर निकालें। आइए हम इस प्रोसेस को सीखते हैं। मां ने अपने बेटे को सिखाने के लिए ये अंदाज अप्लाई किया और प्यार से कहा, चलो बाहर चलते हैं और एक बोतल में पानी भरते हैं और देखते हैं कि आप इसे बिना गिराए कैसे ले जा सकते हैं। छोटे लड़के ने सीखा कि अगर वो दोनों हाथों को बोतल के ऊपरी सिरे को मजबूती से पकड़े तो वो इसे बिना गिराए कहीं भी ले जा सकता है। ये एक प्रसिद्ध शोध वैज्ञानिक की कहानी है जिसने कई महत्वपूर्ण चिकित्सा सफलताएं हासिल की थी। वैज्ञानिक ने यह कहानी तब सुनाई थी एक अखबार के रिपोर्टर को, जब उनसे उनका इंटरव्यू लिया गया था और रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप कैसे इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं और कैसे इतने ज्यादा आप डिफरेंट करते हैं दूसरे लोगों से, आप अलग हैं। तो वैज्ञानिक ने बताया कि मेरी माँ ने इस तरीके से मेरी परवरिश की थी जिसकी वजह से मैं दूसरों से ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाता हूँ, क्रिएटिव हूँ और दूसरों से ज्यादा डिफरेंट हूँ। बच्चे के ऊपर भैया बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस कहानी से हमें मॉरल क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है? उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बताया कि हम जब गलतियां करते हैं तो हमें गलतियां करने से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने जिंदगी में कुछ भी नया सीखा है तो आपने गलती की होगी, अगर आपने गलती नहीं की तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी नया नहीं सीख सकते। क्योंकि उन्होंने बताया कि हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसमें से ज्यादातर प्रयोग सफल नहीं होते, वो सारे प्रयोग एक एक्सपेरिमेंट तक ही रह जाते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलता है। लेसंस टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट जगत के लिए सबक क्या है इसमें? एक लीडर के रूप में हमें जो हमारे अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको आदेश नहीं देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि जाओ तुम ऐसा करो वैसा करो। इसके बजाय आप वहां पर उन्हें बढ़ने और उन्हें एक बेहतर कलाकार बनने, कुछ एक नया सीखने के लिए अवेलेबल होते हैं। आप एक उनकी मदद करते हैं ताकि वो वहां पर कुछ बेहतर सीख सकें आपके एटमॉस्फेयर में, आपकी मौजूदगी में, और कुछ अच्छा बन जाएं। गलतियों से ना डरें बल्कि विकास ना करने से डरें, क्योंकि टीम के मेंबर्स ही भविष्य के लीडर्स होते हैं। अगर आप इन पे आज आप इनके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो ये कल को बढ़िया लीडर बन के नहीं आएंगे। तो आपको अपने लीडर का अनुसरण करना है और देखना है, गलतियां करते जाना है और सीखते जाना है, कर करके सीखना है।